Hello students, welcome to the new video of Science Zone. This is our second video on chapter 10 circles from NCERT textbook. In our previous video, we have discussed the proofs of theorem 10.1 and theorem 10.2. We have also covered exercise 10.1 in that video. In this video, we are going to solve exercise 10.2. Also, we will discuss a few solved examples from NCERT textbook. Before going to the exercise and solved examples, we will go through a quick revision of theorem 10.1 and 10.2, and we will also discuss the results obtained from those two theorems. Dear students, if you have not watched my first video on circles, I recommend you to please go and watch that video first and then come to this video, so that you can properly understand the question solved in this video. Let's start our video by revising theorem 10.1. The statement of theorem 10.1 is, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. अगर हम किसी भी सर्कल की टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है. दिस वॉज द स्टेटमेंट फॉर थियरम 10.1. वॉट वर द रिजल्ट दैट वी हैव ऑप्टेन फ्रॉम थियरम 10.1? फर्स्ट, एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट. सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट हो सकती है. नेक्स्ट हमने सीखा था, जो ये रेडियस हम ड्रॉ करते हैं एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, उसको हम नॉर्मल टू द सर्कल एट दैट पॉइंट भी कहते हैं. लेट्स रिवाइज थ्योरम 10.2 एंड इट्स रिजल्ट्स. द थ्योरम 10.2 स्टेट्स, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर तो वो हमेशा इक्वल होती हैं. हमने एक चीज़ और सीखी थी, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं टू अ गिवन सर्कल. ठीक है, तो जैसे अगर हम पी को एक एक्सटर्नल पॉइंट कंसिडर कर लें तो वहाँ से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, पी क्यू एंड पी आर. दे विल बी द ओनली टू टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी टू द गिवन सर्कल. ओके, रिजल्ट्स क्या क्या मिले थे? एक रिजल्ट हमने सीखा था, जो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स होता है और एंगल बिटवीन द रेडियस, कौन सी रेडियस? जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे कनेक्ट करती हैं, वो दोनों एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं. ठीक है, और सेकेंड चीज हमने क्या सीखी थी, जो लाइन एक्सटर्नल पॉइंट को और सेंटर को ज्वाइन करती है, मीन्स दिस लाइन ओपी, ये इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करती है. जो एंगल हमारा बिटवीन द टेंजेंट्स बन रहा है और जो एंगल हमारा बिटवीन द रेडियाई बन रहा है, ये लाइन OP उन दोनों को बाइसेक्ट करती है. इन अदर वर्ड्स, द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स. लेट्स डिस्कस द सॉल्व्ड एग्जांपल्स फ्रॉम NCERT टेक्सटबुक. द फर्स्ट एग्जांपल इज, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. आपको इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं तो जो लार्जर सर्कल है उसकी जो कॉर्ड है, अगर वो स्मॉलर सर्कल को टच करती है, स्मॉलर सर्कल को टच करती है मींस दैट कॉर्ड विल बी द टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल, देन दैट कॉर्ड इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. आपको ये प्रूव करना है कि वो कॉर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे बाइसेक्ट होगी, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी. सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो, सेम सेंटर से बनने वाले सर्कल्स को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं. ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम दो सर्कल्स ले लेते हैं, C1 और C2, जिनका एक ही सेंटर है O, और AB को हम मान लेते हैं कि वो एक कॉर्ड है फॉर द लार्जर सर्कल C1. ठीक है, AB जो है C1 के लिए कॉर्ड है और C2 को वो एट पॉइंट P टच करती है. ठीक है, अगर वो पॉइंट P पे उसको टच करती है तो यानी AB इज टेंजेंट एट पॉइंट पी फॉर सर्कल C2. अब हमें प्रूव करना है कि AB जो है पी पे बाइसेक्ट हो रही है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है. कौन से दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे? AP और PB. अगर हम किसी तरह प्रूव कर दें कि AP इज इक्वल टू PB तो हमारा काम हो जाएगा. इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे. फर्स्ट मेथड इज, लेट्स फॉरगेट वी हैव सर्कल C1. हम सर्कल C2 के ऊपर ही पहले फोकस करते हैं. अब AB जो है C2 के लिए क्या है? टेंजेंट है. OP क्या है? रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है. थ्योरम 10.1 ने हमें क्या बताया था? रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट
इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना। तो इसलिए जो ये ओपी है वो हमारा ए बी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब सर्कल सी वन पे ध्यान देते हैं। सर्कल सी वन में ए बी एक कॉर्ड है जिसके ऊपर एक परपेंडिकुलर आ रहा है, ओपी कहाँ से आ रहा है, सेंटर से। और हमने क्या सीखा था 9th स्टैंडर्ड में, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसलिए ओपी क्या करेगा, ए बी को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड हो गया, इससे हमने प्रूव कर दिया। इस मेथड को हम लिखेंगे किस तरह से, हम सबसे पहले बता देंगे ए बी इज अ टेंजेंट, ओपी इज द रेडियस, थ्योरम 10.1 का हम रेफरेंस देके बता देंगे, ओपी विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड देन द सेम थिंग की परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड, देयरफॉर ए पी इक्वल टू पी बी, हेंस इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज प्रूव्ड, ओके। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, सेकेंड मेथड हमारा ये हो सकता है कि हम एक काम करें, ओ ए को और ओ बी को ज्वाइन कर दें, तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ जाएंगे, कौन से, ओ ट्राइंगल ओ तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ जाएंगे, कौन से ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी। इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम कॉन्ग्रुएंसी कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। अब आप कॉन्ग्रुएंसी कैसे करोगे, देखो सबसे पहले हमें क्या पता है, ओपी एंड ओपी इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स, ओ ए पी में भी ओपी आ रहा है, ट्राइंगल ओ बी पी में भी ओपी आ रहा है, तो फर्स्ट थिंग मिल गई, ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन। सेकेंड थिंग, ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी, वाई, दे आर रेडियस, दोनों किसकी रेडियस है, लार्जर सर्कल की, सी वन की ही रेडियस है दोनों, तो देयरफॉर ओ ए एंड ओ बी विल बी इक्वल। थर्ड थिंग, यहाँ पे जो हमें परपेंडिकुलर मिला बाय थ्योरम 10.1, तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, बाय आरएचएस क्राइटेरिया हमारे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जिससे हमें ए पी इक्वल टू पी बी मिल जाएगा, सो वी कैन से ए बी इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी। एग्जाम्पल नंबर टू, टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to twice of angle OPQ. आपको एक पॉइंट T दिया हुआ है which is in the exterior of a circle with center O. उस पॉइंट से दो tangents draw की गई हैं TP and TQ. P and Q क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। अभी आपको प्रूव करने के लिए बोला है कि एंगल PTQ is equal to twice of angle OPQ है, ये चीज आप प्रूव कीजिए। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले एंगल पी टी क्यू और एंगल ओ पी क्यू को लोकेट कर लेते हैं। पी टी क्यू एंगल कहाँ पर बन रहा है, हियर, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू इज एंगल पी टी क्यू। दूसरा एंगल है हमारा ओ पी क्यू, वो कहाँ पर बन रहा है, ओ पी क्या है, रेडियस, रेडियस कहाँ पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी पर। और दूसरी रे है पी क्यू, पी क्यू क्या है, जो लाइन सेगमेंट दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करती है वो। तो एक एंगल है हमारा एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स और दूसरा एंगल है एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। इनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने दो थियरम्स ही सीखी हैं अभी, थियरम 10.1 और 10.2, उन दोनों का यूज करेंगे और ये रिजल्ट हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सिंप्लिसिटी के लिए हम एक काम कर लेते हैं, हम एंगल पी टी क्यू को एज्यूम कर लेते हैं इक्वल टू एक्स, ताकि जब हमें लिखना हो तो हम सिंपली x लिख सकें, थोड़ा हमें सिंपल पड़े, दैट्स ऑल। अब थ्योरम 10.2 ने हमें क्या सिखाया था, थ्योरम 10.2 स्टेटेड टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट इन एक्सटीरियर आर इक्वल, अगर किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स किसी भी सर्कल पे आती हैं तो वो हमेशा इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास T एक पॉइंट इन एक्सटीरियर है जहां से दो टेंजेंट्स TP और TQ आ रहे हैं, तो वो दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी, इसलिए जो ट्राइंगल TPQ है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमने लास्ट ईयर सीखा था एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। अब जो ये ट्राइंगल TPQ है उसमें हमारी साइड्स TP और TQ इक्वल आ गई हैं, उसके कारण TP के अपोजिट वाला एंगल कौन सा, TQP, और TQ के अपोजिट वाला एंगल TPQ,
ये दोनों हमें इक्वल मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिल गया कि जो एंगल TPQ है और एंगल TQP है वो दोनों इक्वल हैं। अब जो ट्राइंगल TPQ है उसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, वो हमें बताता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर TPQ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, एंगल TPQ प्लस एंगल TQP प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो एंगल PTQ है उसको तो हमने X एज्यूम कर लिया है ना, तो X प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अच्छा, एक चीज़ हमने अभी ऊपर सीखी क्या कि TPQ और TQP तो इक्वल है, तो यहाँ पे जो ये TQP है उसकी जगह मैं TPQ रख सकती हूँ, तो मेरे को क्या रिजल्ट मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ प्लस X इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो एंगल TPQ है उसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। TPQ की वैल्यू निकालने के लिए ये जो पहले X है हमारे पास LHS में, उसको RHS भेजेंगे और ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में वो वहाँ पे जाके डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, TPQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 माइनस X, 1/2 को अंदर ले जाइए आपको TPQ की वैल्यू मिल जाएगी 90 माइनस 1/x, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट रिजल्ट। अब हम यूज़ करेंगे थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 ने हमें क्या सिखाया था, थ्योरम 10.1 ने बोला था द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ अ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अगर हम पॉइंट ऑफ टेंजेंट पे कोई भी रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे वो परपेंडिकुलर होती है, यानी राइट एंगल बनाती है। तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस एंगल, एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री मिल जाएगा। जो ये एंगल TPO है वो कौन से दो एंगल से मिलके बन रहा है, आप देखिए, एक एंगल OPQ और दूसरा एंगल TPQ। एंगल TPQ प्लस एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये रिजल्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा। थ्योरम 10.1 ने हमें क्या बताया, OPT इज 90 डिग्री एंड फ्रॉम द फिगर वी कैन से सम ऑफ OPQ एंड TPQ इज इक्वल टू 90। फ्रॉम देयर वी कैन से एंगल OPQ इज इक्वल टू OPT माइनस TPQ। OPT एंगल कितना है हमने अभी पता लगाया, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस TPQ, और TPQ की वैल्यू हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, तो वहाँ पे TPQ की वैल्यू रख दो, तो TPQ की वैल्यू इज 90 माइनस 1/2x। जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हाफ ऑफ x। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 90 एंड 90 विल गेट कैंसल्ड आउट एंड माइनस विल गिव अस प्लस 1/2x, ठीक है। फिर x किसकी वैल्यू थी, एंगल PTQ की, तो 1/2 ऑफ PTQ। तो आपको क्या मिल गया, एंगल OPQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PTQ। ये हाफ को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके LHS में ले जाइए तो आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा, एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। यही चीज तो हमको प्रूफ करनी थी, जो हमें प्रूफ दैट में रिजल्ट दिया था उसको अचीव करने के लिए दोनों थ्योरम्स का यूज किया, 10.1 10.2। 10.1 ने हमें बताया कि ये एंगल 90 है, अगर ये एंगल 90 है तो ये दो एंगल से बन रहा था, एंगल OPQ जो कि हमें रिजल्ट में गिवन है और दूसरा एंगल TPQ जो कि हमारा रिजल्ट में नहीं है। तो हमने TPQ की वैल्यू फाइंड की, TPQ की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, थ्योरम 10.2 और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। थ्योरम 10.2 ने हमें बताया TP और TQ इक्वल हैं, जिससे हमें पता चल गया ये जो एंगल है TPQ वो एंगल TQP के इक्वल है। और फिर हमने ट्राइंगल TPQ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया जहाँ से हमें वैल्यू मिल गई ऑफ एंगल TPQ, और उसको हमने फिर 10.1 से जो रिजल्ट मिला था उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया। एग्जाम्पल नंबर 3, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T, फाइंड द लेंथ TP। आपको एक सर्कल दिया है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और उसके अंदर एक कॉर्ड है PQ जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। पी क्यू जो कॉर्ड है उसके एंड पॉइंट्स पे दो टेंजेंट्स आती हैं, पी टी एंड टी क्यू। आपको टी पी जो टेंजेंट है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं हम टी पी की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इन द एक्सटीरियर नहीं गिवन है। अगर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इन एक्सटीरियर फ्रॉम सेंटर दिया होता है तो हम डायरेक्टली ट्राइंगल
टी पी ओ ले लेंगे और हम पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर सकते हैं। रेडियस पता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इन द एक्सटीरियर पता है, पाइथागोरस लगा के आप डायरेक्टली टेंजेंट की लेंथ निकाल सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में हमें वो चीज़ नहीं दी, हमें क्या दिया हुआ है, कॉर्ड की लेंथ दी हुई है। तो ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली तीन राइट एंगल ट्राइंगल्स मिलेंगे। देखिए पहला तो हमारा हो जाएगा टी पी ओ। टी पी ओ राइट एंगल क्यों होगा? थ्योरम 10.1, रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, इसलिए हो जाएगा। दूसरे जो दो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे उनमें से एक होगा पी ओ आर और दूसरा होगा पी टी आर। अब ये दोनों राइट एंगल क्यों होंगे वो अभी हम जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा। फिर हमें इन तीनों ट्राइंगल्स का यूज़ करना है और टी पी की लेंथ निकालनी है। तो चलो देखते हैं हम टी पी की लेंथ कैसे निकालेंगे। थ्योरम 10.2 का यूज़ करते हैं जो हमें बताती है टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट इन एक्सटीरियर हमेशा इक्वल होते हैं। तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा टी पी और टी क्यू जो है वो इक्वल होंगे क्योंकि वो दोनों एक ही पॉइंट टी से आ रही हैं दोनों टेंजेंट्स। ठीक है, इसलिए जो ट्राइंगल टी पी क्यू है वो कैसा हो जाएगा? आइसोसेलेस। ट्राइंगल टी पी क्यू में दो साइड्स टी पी और टी क्यू हमारी इक्वल आ गई, इसलिए टी पी क्यू क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी। अगर आपके पास कभी भी कोई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और जो उसकी दो इक्वल साइड्स हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है उसका अगर आप बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो एंगल बाइसेक्टर थर्ड साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। मीन्स जो एंगल बाइसेक्टर है वो थर्ड साइड को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा? एट द मिड पॉइंट ऑफ द थर्ड साइड, और वहां पर वो एक राइट एंगल भी बनाएगा, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी 90 डिग्री बनाएगा और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये प्रॉपर्टी हमने 9th में पढ़ी थी। तो अभी इस प्रॉपर्टी का क्या यूज होगा हमारे लिए? जैसे हमारा ट्राइंगल पी टी क्यू हमें आइसोसेलेस मिल गया, टी पी और टी क्यू इक्वल हैं, तो ये जो लाइन ओ टी है ये लाइन एंगल पी टी क्यू का बाइसेक्टर है। हमने पढ़ा था थियरम 10.2 के रिजल्ट में द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड पॉइंट इन द एक्सटीरियर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, इसलिए ओ टी जो है ये एंगल पी टी क्यू का बाइसेक्टर है और पी टी क्यू एंगल जो है वो दो इक्वल साइड से बन रहा है ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। देयरफॉर ओ टी विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एंड देयरफॉर आर विल बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। आर जो है वो क्या हो जाएगा? पी क्यू का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आर पी क्यू का मिड पॉइंट हो जाएगा तो यहाँ से हमें पी आर इक्वल टू आर क्यू मिल जाएगा विच विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू, और पी क्यू हमको कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर, इसलिए पी आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 4 सेंटीमीटर। सेकेंड रिजल्ट जो हमें यहाँ से मिलेगा वो है कि दिस टी आर इज परपेंडिकुलर टू पी आर, तो इसलिए एंगल पी आर ओ एंड एंगल पी आर टी दीज टू एंगल्स विल बी राइट एंगल्स। तो ट्राइंगल पी आर ओ कैसा बन गया हमारा? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। पी आर टी भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर हम पी आर ओ ट्राइंगल में देखें तो हमारे पास दो साइड्स हमें पता हैं, पी आर की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पे पी आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हमें मिल गई है और पी ओ 5 सेंटीमीटर हमें ऑलरेडी रेडियस गिवन है। तो इस ट्राइंगल में हम क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। अगर ट्राइंगल पी आर ओ में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको आर ओ की लेंथ मिल जाएगी। देखिए आर ओ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी ओ स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, दैट विल बी 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हमें आर ओ मिल गया। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स और हैं। कौन कौन से? एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा पी टी ओ और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है पी आर टी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था तीन राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, उनमें से एक हमने यूज कर लिया पी आर ओ। अब बचे दो पी टी ओ और पी आर टी। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स में भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। जब आप ट्राइंगल पी टी आर या पी टी ओ में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हमारे पास दो साइड्स अननोन है, एक PT की वैल्यू हमको नहीं पता, साइड PT हमको नहीं पता, सेकंड TR की लेंथ हमको नहीं पता। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को एज्यूम कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो TP है उसकी लेंथ है X और RT है उसकी लेंथ हम मान लेते हैं Y। अब हम ट्रायंगल PRT में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। जब PRT में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो राइट एंगल कहाँ बन रहा है? एंगल R पे। सो TP विल बी द हाइपोटेनस, तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू
y square plus 4 square, 4 square will be 16, ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लो, x square minus y square equals to 16, ये आपको फर्स्ट रिजल्ट मिल गया। अब हम दूसरे ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाते हैं, कौन सा ट्राइंगल बचा अब हमारा, ट्राइंगल PTO, अब उसमें जब आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो आपके लिए हाइपोटेनस कौन सी साइड होगी, राइट एंगल बनेगा आपका एट पॉइंट पी, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, इसलिए OT विल बी अवर हाइपोटेनस। तो OT स्क्वायर दैट विल बी व्हाट, OT में हमारे दो पार्ट्स आ रहे हैं TR और RO, RO की वैल्यू हमने निकाल ली 3 और TR हमने एज्यूम कर लिया है y, सो OT विल बी इक्वल्स टू y प्लस 3, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर y प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू PT स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए। अब RHS में हमारे पास y प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, जब यहाँ पे आप a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब ये जो y स्क्वायर है इसको हम शिफ्ट कर देते हैं टू LHS, उससे क्या होगा, हमें x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मिलेगा और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 25, 25 कहाँ से आया, 5 का स्क्वायर 25 है ना, इक्वल्स टू 9 प्लस 6y। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर फ्रॉम 1, हमें क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 16, तो 16 प्लस 25 माइनस 9, यहाँ पे जो RHS में 9 था उसको भी हम LHS में ले आते हैं ताकि सारी लाइक टर्म्स एक तरफ हो जाएं, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 16 प्लस 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 6y, और हमें निकालनी है वैल्यू y की, तो y विल बी इक्वल टू 32 अपॉन 6, 32 और 6 उनका कॉमन फैक्टर है 2, तो आप कैंसिल कर लीजिए, तो आपको फाइनली y की वैल्यू मिल जाएगी 16/3। हमें y यानी TR नहीं निकालना, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, TP की, तो y मिल गया, उसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1, दैट विल गिव यू x square equals to y square plus 16, y square की जगह आ जाएगा 16 plus 3 का whole square, आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ से मिल जाएगा x square का वैल्यू इक्वल टू 400/9, 400/9 x square का वैल्यू है, x का वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं जिससे हमें x equals to 20/3 मिल जाएगा, दैट इज अवर आंसर लेंथ ऑफ TP। ये फर्स्ट मेथड हुआ, अब यही वैल्यू जो TP की है हम एक दूसरे मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, और उस मेथड में हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को यूज करेंगे। लेट्स सी हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ TP बाय यूजिंग सिमिलैरिटी। हमने फर्स्ट प्रूफ में OR की वैल्यू 3 निकाली थी, वहां तक हमें सेम वे में ही कंटिन्यू करना है। सबसे पहले हमने OR की वैल्यू निकाल ली, तो जो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल्स थे जिनमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, TRP और PRO, अब हम इनमें सिमिलैरिटी करने की कोशिश करते हैं, कैसे हो सकती है, हमें पता है एंगल TRP इज 90 डिग्री एंड PTO ट्राइंगल में एंगल TPO इज 90 डिग्री, तो एक एंगल तो दोनों में 90-90 आ गया, दूसरा एंगल PTO एंड एंगल PTR ये एंगल दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया हमारे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमें पता है सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो वहां से हमें मिल जाएगा TP अपॉन PO इज इक्वल टू RP अपॉन RO। अब हमें पता है वैल्यू ऑफ RP, RP की वैल्यू कितनी मालूम है 4 सेंटीमीटर, RO, RO क्या है 3 सेंटीमीटर हमने फाइंड किया था, PO, PO इज द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज 5 सेंटीमीटर, TP हमें फाइंड करना है जिसकी वैल्यू हमको नहीं मालूम, तो TP के अलावा बाकी सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं, तो वहां से हमें रिजल्ट मिल जाएगा TP इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर।
द रेडियस 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 24.5 सेंटीमीटर। आपको एक पॉइंट क्यू दिया हुआ है इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, उस पॉइंट से एक टेंजेंट आ रही है सर्कल के ऊपर, उस टेंजेंट की लेंथ दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर। फिर आपको एक और बात बताई है, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, अगर हम सेंटर को ओ मान लें तो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर दिया है। हम मान लेते हैं जो टेंजेंट क्यू से आ रही है वो पॉइंट पी पे टच करती है हमारे सर्कल को, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बना ओ पी क्यू, ये किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। थ्योरम 10.1 ने हमें बताया रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये ट्रायंगल ओ पी क्यू में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो हमें ओ पी यानी रेडियस की लेंथ मिल जाएगी। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर। फिर हम पी क्यू स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ओ पी स्क्वायर की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें मिल गया ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू 24, तो 24 स्क्वायर हमने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओ क्यू स्क्वायर ओ क्यू की वैल्यू 25, तो हियर इट विल बी 25 स्क्वायर। फ्रॉम देयर वील गेट ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 625, दैट इज 25 का स्क्वायर माइनस 576, 24 का स्क्वायर। फर्दर आप सॉल्व कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 49, ओ पी स्क्वायर 49, तो ओ पी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो ओ पी इज इक्वल टू 7, यहाँ से हमको आंसर मिल जाएगा। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सो दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110, देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री। आपको एक फिगर दी हुई है, इस फिगर में आपको दो टेंजेंट्स बताई हैं टी पी एंड टी क्यू। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो रेडियाई हैं उनके बीच का एंगल आपको बताया हुआ है, इट इज 110। नाउ दे वॉन्ट यू टू फाइंड द एंगल पी टी क्यू यानी एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। थ्योरम 10.2 के रिजल्ट्स में हमने सीखा था द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड एंगल बिटवीन द रेडियाई इज सप्लीमेंट्री। अगर हमारा एंगल बिटवीन द रेडियाई 110 है तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110, दैट विल बी 70 डिग्री, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड एंगल बिटवीन द रेडियाई इज सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। आपको दो टेंजेंट्स दे रखी हैं पी ए एंड पी बी, दे आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स इज 80 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड द एंगल पी ओ ए, तो एंगल पी ओ ए को पहले लोकेट करते हैं, तो पी ओ ए बनाने के लिए पहले पी ओ को ज्वाइन कर देते हैं, तो एंगल पी ओ ए विल बी दिस एंगल, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जो अभी क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया उसमें हमने क्या सीखा था, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड एंगल बिटवीन द रेडियाई एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज सप्लीमेंट्री, उन दोनों का सम 180 होता है। तो अभी यहाँ पे हमको क्या पता है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज 80 डिग्री, दिस कंप्लीट एंगल दैट विल बी हाउ मच, 180 माइनस 80, दैट मीन्स एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू 100 डिग्रीज। हमें फाइंड करना है पी ओ ए, तो 10.2 के रिजल्ट में ही हमने सीखा था लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट इन द एक्सटीरियर बाइसेक्स द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड एंगल बिटवीन द रेडियाई एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसलिए पी ओ ए विल बी हाफ ऑफ ए ओ बी, तो एंगल पी ओ ए विल बी हाफ ऑफ 100, दैट मीन्स पी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। किसी भी सर्कल के डायमीटर के एंड्स पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं वो पैरेलल होती हैं, हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ले लेते हैं, उसमें एक डायमीटर ड्रॉ कर देते हैं, ए बी हम नाम दे देते हैं हमारे डायमीटर का,
और पी क्यू और आर एस दो टेंजेंट्स बना देते हैं एट पॉइंट ए एंड बी। पी क्यू टेंजेंट है बी पे और आर एस जो है वो टेंजेंट है एट पॉइंट ए। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ये दोनों टेंजेंट्स पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं। कोई भी दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, जब उन दोनों पे से कोई एक ट्रांसवर्सल पास हो और उस ट्रांसवर्सल से जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बने वो इक्वल हों, या फिर कोई इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री हों, या फिर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हों। इन तीन में से कोई भी एक केस अगर हमारा सेटिस्फाई होता है तो हम बोल देते हैं कि द लाइन्स आर पैरेलल। हमें क्या पता है, ए बी इज अ डायमीटर। इफ ए बी इज अ डायमीटर एंड ओ इज द सेंटर, देन ओ बी विल बी द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी। तो इसलिए जो एंगल ओ बी पी होगा इट विल बी 90 डिग्री, थ्योरम 10.1, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सिमिलरली जो हमारा दूसरा रेडियस है ओ ए, दैट विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू आर एस, देयरफॉर एंगल एस ए ओ विल ऑल्सो बी 90 डिग्री। तो हमारे जो दो ऑल्टरनेट एंगल्स मिले, एंगल ओ ए एस एंड एंगल ओ बी पी, वो दोनों कितने हैं 90 ईच, यानी दोनों इक्वल है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर द लाइन्स आर पैरेलल। विच लाइन्स आर पैरेलल, आर एस एंड पी क्यू। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। आपको क्या प्रूव करना है कि अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे हम कभी भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करेगा। किसी भी सर्कल पे अगर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की है तो उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा सेंटर से पास करेगा। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। हम सबसे पहले एक सर्कल ले लेते हैं जिसका सेंटर है ओ, और उसके ऊपर एक टेंजेंट मान लेते हैं ए बी, सच दैट उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो है पी। नाउ वी हैव टू प्रूव द परपेंडिकुलर एट पी पासिस थ्रू दी सेंटर। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक काम करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। हम ओ डैश पी ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू ए बी एट पॉइंट पी। ठीक है, ओ डैश पी हमने क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अगर ओ डैश पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी तो हमें क्या पता चल जाएगा, एंगल ओ डैश पी ए मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। लेकिन थ्योरम 10.1 ने हमें क्या बताया था, थ्योरम 10.1 टोल्ड अस द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो यहाँ पे जो हमारी रेडियस है ओ पी वो भी ए बी के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि एंगल ओ पी ए विल ऑल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से हमें दो एंगल्स मिल गए, एक एंगल ओ डैश पी बी और एक एंगल ओ पी बी, दोनों की वैल्यू क्या है 90। दैट मीन्स एंगल ओ डैश पी बी शुड बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी। अब ये जो दो एंगल हैं ओ डैश पी बी एंड ओ पी बी, इनके अंदर एक रे पी बी जो है वो कॉमन है। तो हमने ये चीज़ सीखी थी कि अगर ये एक रे है और इसके एंड पॉइंट पे मुझे 90 डिग्री एंगल चाहिए तो मैं कितनी रेज ड्रॉ कर सकती हूँ। एट दिस पॉइंट आई कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज, बट देर विल बी अ यूनिक रे विच विल गिव मी 90 डिग्री मेजरमेंट। एक से ज़्यादा रे कभी भी 90 डिग्री का मेरे को मेजरमेंट नहीं देंगी। अब इस केस में जहाँ पे ओ डैश पी बी और ओ पी बी दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये रे है जो नॉन कॉमन है इन दोनों में ओ डैश पी और ओ पी, दे मस्ट कोइंसाइड। ठीक है, वो दोनों ओवरलैप करती होंगी तभी ये चीज़ पॉसिबल है। इसलिए हम क्या कह देंगे कि इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ओ डैश पी कोइंसाइड विद ओ पी, देयरफॉर परपेंडिकुलर टू ए बी एट पी पासेस थ्रू सेंटर ओ। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको बताया है एक टेंजेंट है जो कि कौन से पॉइंट से आ रही है, पॉइंट ए से आ रही है, उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आपको बताया हुआ है 5 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। उसमें एक पॉइंट हमने एक्सटीरियर में फिक्स कर दिया जहाँ से एक टेंजेंट हम एज्यूम करते हैं ए बी इज़ द टेंजेंट और बी इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो टेंजेंट की लेंथ हमें बता रखी थी कितनी, 4 सेंटीमीटर, तो ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सेकेंडली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द सेंटर यानी
OA वो हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, थ्योरम 10.1 का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें राइट एंगल मिल जाएगा, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, इसलिए ट्राइंगल AOB विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें आप पाइथागोरस लगा दीजिए, आपको रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, जब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे आपको क्या मिलेगा, AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। OA इज अवर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड्स, तो OA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। वहां से आप सॉल्व कर लीजिए, आपको OB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। आपको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं, एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेडियस किसकी होगी, बड़े सर्कल की जो बाहर की तरफ है, और 3 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। हम एज्यूम कर लेते हैं दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का नाम रख देते हैं C1 और C2, जिनका सेंटर है O। PQ को हम एक कॉर्ड मान लेते हैं फॉर लार्जर सर्कल विच टच इज द स्मॉलर सर्कल एट A। A क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट PQ फॉर स्मॉलर सर्कल। जो लार्जर सर्कल की कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है। अब हमें PQ की लेंथ निकालनी है। फ्रॉम थ्योरम 10.1, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो OA विल बी परपेंडिकुलर टू PQ। और दूसरा कॉन्सेप्ट कॉर्ड का, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो OA विल बाइसेक्ट PQ, तो A क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ PQ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो ट्राइंगल हमें मिला, ट्राइंगल OAQ, इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि हमारे को एक राइट एंगल ट्राइंगल तो मिल गया ना। ठीक है, अब इसमें ये जो साइड है OQ, दैट इज द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल विच इज 5 सेंटीमीटर, एंड OA इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल दैट इज 3 सेंटीमीटर। अब इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस लगा दीजिए, आपको AQ मिल जाएगा। AQ की जो वैल्यू मिलेगी उसका हम डबल कर देंगे, A इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो हमें PQ मिल जाएगा। देखिए, PQ इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, OA इज परपेंडिकुलर टू PQ, पाइथागोरस अप्लाई किया, पाइथागोरस जब अप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। AP इज इक्वल टू AQ, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड। Therefore, length of the cord PQ क्या हो जाएगा, twice of AP, that is 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसका नाम है ABCD, जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब कर रहा है मतलब ऑल द फोर साइड्स ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल टचेस द सर्कल। अब आपको प्रूव करना है AB प्लस CD और AD प्लस BC, ये दोनों सम्स जो हैं वो इक्वल हैं। AB और CD क्या है, अपोजिट साइड्स, देखिए AB CD, और AD और BC क्या है, वो भी अपोजिट साइड्स। यानी हमें क्या प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स का सम जो है वो इक्वल होता है अगर क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता हो। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 ने हमें क्या बताया था कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। तो पहले हम एक्सटीरियर में पॉइंट फिक्स कर देते हैं A, यहाँ से कौन सी दो टेंजेंट्स आ रही हैं, AS और AP, दे विल बी इक्वल। सेकंड हम देख लेते हैं D पॉइंट, यहाँ पे D से दो टेंजेंट्स आ रही हैं, DS और DR, वो भी इक्वल होंगे। देन अगर C को हम एक्सटीरियर पॉइंट बोलें तो CR और CQ, दे विल बी इक्वल। और अगर B को हम पॉइंट इन द एक्सटीरियर बोलें तो BP एंड BQ आर इक्वल। हम इन चारों पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं, हमें चार रिजल्ट्स मिल गए, AP AS, BP BQ, CR CQ, DR DS, ये हमें इक्वल मिल गए। अब हम इन चारों रिजल्ट्स को ऐड करते हैं, उससे हमें क्या मिलेगा, सारे LHS ऐड कर देंगे, सारे RHS ऐड कर देंगे। जब LHS में हम फोकस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AP प्लस BP, देखिए AP प्लस BP विल बी इक्वल टू AB, CR प्लस DR, CR प्लस DR इक्वल्स टू CD। RHS में देखते हैं AS प्लस DS, AS प्लस DS इक्वल टू AD, एंड कौन बचा, BQ प्लस CQ, तो BQ प्लस CQ विल गिव अस BC। तो यहां से हमें रिजल्ट मिल जाएगा
that if a quadrilateral circumscriber circle, then sum of its opposite sides are equal. आप जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये जो चार रिजल्ट्स हमने लिखे हैं उनको लिखने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. उनको लिखते टाइम आपको ध्यान करना पड़ेगा कि जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो सेम साइड में ही फॉल करें. ठीक है, अगर आप एक को लिखेंगे ए पी इक्वल टू ए एस तो दूसरे को आप बी क्यू इक्वल्स टू बी पी लिख देंगे, तब आपको ऐड करने में फिर डिफिकल्टी होगी, आपको फिर से स्विच करनी पड़ेगी साइड्स, तभी आपको आपका रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, तो जब भी आप लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो सेम साइड में फॉल करें, या तो सब दोनों एल एच एस में हो या दोनों ही आर एच एस में हो. और ये जो हमें नोट मिला इसको हम बाकी क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ. अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी. प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. आपको एक फिगर दी हुई है, उस फिगर में आपको दो टेंजेंट्स दी हैं एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश. ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं. एक थर्ड टेंजेंट है ए बी जो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेप्ट करती है एट पॉइंट्स ए एंड बी. अब आपको बोला है कि प्रूव दैट एंगल ए ओ बी यानी दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो चलो इसको प्रूव करते हैं. सबसे पहले हमें क्या पता है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दोनों पैरेलल हैं. हमें एंगल का मेजरमेंट 90 करना है, तो किसी एंगल का मेजरमेंट हमें पता है उसी से हम काम चालू कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दोनों पैरेलल हैं, तो हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि इनके जो को इंटीरियर एंगल्स होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी एंगल पी ए बी और एंगल ए बी क्यू ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे. ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस लाइन ओ ए. ओ ए के बारे में क्या बता सकते हैं कि ओ ए विल बाइसेक्ट द एंगल पी ए बी, क्योंकि हमने 10.2 के रिजल्ट्स में सीखा था लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट ऑफ एक्सटीरियर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द रेडियाई एंड एंगल बिटवीन द टेंजेंट. इसलिए ये जो पूरा एंगल है पी ए बी विल बी बाइसेक्टेड बाय ओ ए. इन द सेम वे एंगल ए बी क्यू विल बी बाइसेक्टेड बाय ओ बी. तो पी ए बी प्लस ए बी क्यू जो था वो 180 था, इन दोनों एंगल्स का सम 180 था, तो इनके हाफ्स का सम कितना हो जाएगा 90. इनके हाफ के सम को हमने इसलिए निकाला क्योंकि वो इनके जो हाफ्स हैं वो इस ट्राइंगल के एंगल्स हैं, ट्राइंगल ए ओ बी. तो ये दो एंगल्स अगर हमें सम 90 देते हैं तो जो एंगल बचा वो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ना. ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें पता है कि दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं इसलिए उनके जो एलाइड एंगल्स हैं या को इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा 180 डिग्री. देन वी विल यूज दैट रिजल्ट फ्रॉम 10.2. द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, देयरफॉर ओ ए विल बाइसेक्ट एंगल पी ए बी एंड ओ बी विल बाइसेक्ट एंगल ए बी क्यू. यहां से हमें एक चीज पता चल जाएगी कि ओ ए बी प्लस ओ बी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी ए बी प्लस हाफ ऑफ क्यू बी ए. ओ ए बी और ओ बी ए का सम हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें ट्राइंगल ए ओ बी में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है. अब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ एंगल ओ ए बी एंड ओ बी ए विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पी ए बी एंड क्यू बी ए, एंड पी ए बी एंड क्यू बी ए आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, एंगल ओ ए बी प्लस ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब हम ट्राइंगल ए ओ बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं. तो ट्राइंगल ओ ए बी में जो तीन एंगल्स हमारे यूज हो रहे हैं कौन से, ओ ए बी ओ बी ए एंड ए ओ बी, इन तीनों का सम होना चाहिए 180. लेकिन हमने अभी फाइंड किया कि ओ ए बी प्लस ओ बी ए इज इक्वल टू 90 है, तो वहाँ पे 90 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री मिल जाएगा. और यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी. क्वेश्चन नंबर 10. प्रूव दैट
एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। आपको दो टेंजेंट्स दिए हैं जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से आते हैं ऑन अ सर्कल। आपको प्रूव करना है कि उन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है और वो एंगल जो कि उन लाइन सेगमेंट्स के बीच में बनता है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को सेंटर से ज्वाइन करती हैं, वो दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, यानी वो दोनों एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। आपको ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले अजम्पशंस कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमें गिवन है दो टेंजेंट्स पी ए और पी बी, जो एक सर्कल है सेंटर ओ के साथ उसके ऊपर फॉल कर रही हैं, और पी इज़ द पॉइंट इन द एक्सटीरियर जहाँ से दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट यानी ए पी और पी बी के बीच में एंगल ए पी बी प्लस एंगल बिटवीन द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मीन्स द टू रेडियाई एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विच रेडियाई ए ओ एंड ओ बी। तो ए ओ और ओ बी से कौन सा एंगल बना, एंगल बी ओ ए, इनका सम कितना है 180 डिग्री है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 10.1 का अगर हम यूज़ करें तो हमें क्या पता है कि ये जो एंगल है पी ए ओ और एंगल पी बी ओ ये दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर परपेंडिकुलर। इसलिए यहाँ से हमें पता चल जाएगा ओ ए पी इज इक्वल टू 90 एंड ओ बी पी इज इक्वल टू 90। अब अगर हम देखें तो ओ ए पी बी ये क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है हमेशा 360 डिग्री। इसलिए एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी इन चारों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। अब इसमें हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, जो भी वैल्यूज पता है उनको लिख देते हैं। हमें मालूम है कि एंगल ओ ए पी 90 डिग्री है एंड एंगल ओ बी पी या एंगल पी बी ओ जो है वो 90 डिग्री है। तो दोनों की जगह 90 डिग्री सब्सटीट्यूट कर दिया। आगे आप सॉल्व कीजिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए बी पी प्लस बी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही चीज़ तो हमको प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अगर कोई पैरेललोग्राम किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो आपको प्रूफ करना है कि वो पैरेललोग्राम है रोम्बस। पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमें एक ए बी सी डी नाम का पैरेललोग्राम दिया है जो एक सर्कल विथ सेंटर ओ को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और जो वो पैरेललोग्राम है उसकी चारों साइड्स सर्कल को टच करती हैं। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस है। रोम्बस के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, किसी भी तरह हम एडजेसेंट साइज को अगर इक्वल कर देंगे तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइज इक्वल होंगी, यानी ए बी सी डी के इक्वल होगा, ए डी बी सी के इक्वल होगा। पैरेललोग्राम क्या होता है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स के लिए अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने सीखा था कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो उसके अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। इसलिए जो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है विच इज़ अ काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसके भी अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होगा, यानी सी डी प्लस ए बी अपोजिट साइड्स है, शुड बी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। लेकिन क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और इसमें हमें पता है ए बी इक्वल टू सी डी है एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी है, हमें क्या मिल जाएगा, सी डी प्लस ए बी की जगह क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी, एंड ए डी प्लस बी सी की जगह क्या हो जाएगा, बी सी प्लस बी सी। तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी सी, टू एंड टू विल गेट कैंसल्ड आउट विच विल गिव यू ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी ऑलरेडी डी सी के इक्वल था और हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए बी जो है वो बी सी के भी इक्वल है। टू थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर म्यूचुअली इक्वल। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, डी सी जो कि ए बी के इक्वल है और बी सी जो कि ए बी के इक्वल है, तो बी सी और डी सी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इन द सेम वे ए डी भी ए बी बी सी और सी डी के इक्वल हो जाएगा, यानी ऑल फोर साइड्स ऑफ दैट पैरेललोग्राम विल बी इक्वल, हैंस ए बी सी डी विल बी अ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर।
such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find sides AB and AC. आपको एक ट्रायंगल दिया है ABC जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है. उस सर्कल की रेडियस आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर. एक और चीज़ जो आपको बताई है कि ABC की एक साइड है BC जो सर्कल को टच कर रही है एट पॉइंट D, और उस पॉइंट D पे उसके दो पार्ट्स हो जा रहे हैं CD एंड BD, और CD और BD की लेंथ आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. नाउ यू हैव टू फाइंड द साइड्स AB एंड AC. AB और AC की आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है. AB और AC की लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम थ्योरम 10.2 का यूज़ करेंगे. इसमें थ्योरम 10.2 ने हमें बताया था द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल. अगर टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से आती हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है. तो अब हमारे पास यहाँ पे तीन एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं जहाँ से हमें टेंजेंट्स मिल रही है, सी, ए और बी. सी से कौन सी टेंजेंट्स आ रही है? CD और CF. वो दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी 6 सेंटीमीटर ईच. नेक्स्ट हमारी जो टेंजेंट आ रही है फ्रॉम ए, AF एंड AE. तो AF और AE में से हमें किसी की भी लेंथ नहीं मालूम है, तो हम सपोज कर लेते हैं AF और AE की लेंथ है x सेंटीमीटर. ठीक है. थर्ड जो हमारा टेंजेंट है वो आ रहा है फ्रॉम पॉइंट B, BD एंड BE. BD हमें 8 दिया हुआ है, इसलिए जो BE लेंथ है वो भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे लिए केवल एक मिसिंग क्वांटिटी है, वो है x. अगर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम AB और AC दोनों की लेंथ निकाल सकते हैं. ठीक है. तो अब ये x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? x क्या है? ट्रायंगल ABC के साइड्स के पार्ट हैं. ठीक है. तो साइड्स की क्या रिलेशन हमें पता है? ट्रायंगल के साइड का हमें एक तो हेरोंस फॉर्मूला क्लियरली याद आता है. कभी भी ट्रायंगल्स की साइड्स की बात करो तो हेरोंस फॉर्मूला हमें क्या देता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो हम क्या करेंगे, ये ABC ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं फ्रॉम हेरोंस फॉर्मूला. क्या हम किसी और तरीके से भी ABC का एरिया निकाल सकते हैं जिसमें ऑल द थ्री साइड्स कैन बी इंक्लूडेड? हम एक काम कर सकते हैं, ABC को तीन ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं, AOC, AOB एंड BOC. इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लेते हैं. इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया कैसे निकालोगे? 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड करके. जैसे AOC ट्रायंगल की बात करें तो बेस कौन हो जाएगा? AC, और एल्टीट्यूड कौन हो जाएगा? OF. OF क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर. एल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स. किसी भी साइड के ऊपर अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर आता है उसका लेंथ ही तो हमारा एल्टीट्यूड या हाइट होता है ना. तो यहां से हम तीनों ट्रायंगल्स का एरिया भी निकाल सकते हैं. तो हम दो तरीके से ABC का एरिया निकालेंगे. एक हम निकालेंगे ABC का एरिया बाय हेरोंस फॉर्मूला, और दूसरा हम ABC का एरिया निकालेंगे बाय एडिंग एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ AOC. जब इन तीनों का एरिया निकालेंगे AOB, BOC और AOC, तो हम क्या यूज़ करेंगे? 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड. ठीक है. तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, ABC का एरिया निकालते हैं बाय हेरोंस फॉर्मूला. हेरोंस फॉर्मूला में दो स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप में हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं और सेकेंड स्टेप में हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, यानी एस की वैल्यू निकालते हैं. तो उसके लिए हमें ए, बी और सी की वैल्यूज फिक्स करनी पड़ेंगी. एक काम करते हैं, जो साइड ए बी है उसको हम मान लेते हैं ए. तो ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 8. साइड बी सी को हम मान लेते हैं बी. तो बी सी विल बी 6 प्लस 8, दैट विल बी 14. एंड जो थर्ड साइड है हमारी ए सी, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं सी. तो सी विल बी इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स. अब हम सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2. ए बी और सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, हमें यहाँ से क्या आंसर मिल जाएगा? एक्स प्लस एक्स 2x, और 14 प्लस 6 प्लस 8 इक्वल टू 28. न्यूमरेटर में से आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 14 प्लस एक्स. ये हो गया एस का वैल्यू. अब एस का वैल्यू यूज करके अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. हेरोंस फॉर्मूला में एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला होता है S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. अब ए, बी, सी और एस की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देते हैं.
तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, s यानी 14 प्लस x इंटू 14 प्लस x माइनस 14, 14 प्लस x माइनस x प्लस 6, 14 प्लस x माइनस 8 प्लस x। अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए, ब्रैकेट्स ओपन कीजिए। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा, 14 प्लस x माइनस 14, तो प्लस 14 माइनस 14 विल गेट कैंसल्ड आउट, तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा x, सेकेंड ब्रैकेट में 14 प्लस x माइनस 6 माइनस x, प्लस x एंड माइनस x विल गेट कैंसल्ड आउट, तो 14 माइनस 6 विल गिव यू 8, एंड इन द थर्ड ब्रैकेट 14 प्लस x माइनस 8 माइनस x, तो x एंड x विल गेट कैंसल्ड आउट, 14 माइनस 8 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस x इंटू 8 इंटू 6, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 48x इंटू 14 प्लस x। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया है बाय यूजिंग हेरोंस फॉर्मूला। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का, जिसमें हम ABC का एरिया निकालेंगे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, AOB, BOC एंड AOC, और तीनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के फिर ऐड करेंगे। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC। एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ OD इंटू BC। OBC ट्राइंगल को अगर आप देखें तो इसमें हमारा जो बेस है वो क्या हो जाएगा, BC, और BC बेस के ऊपर OD क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड। BC की लेंथ 14 और हाइट हमारी रेडियस, रेडियस हमें क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, 4 सेंटीमीटर, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 14। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 2 4 और 2 इंटू 14 28, तो OBC का एरिया आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ट्रायंगल OCA, AC विल बी द बेस एंड OF विल बी द एल्टीट्यूड, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, OF इज इक्वल टू 4 एंड AC इज इक्वल टू x प्लस 6। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एरिया ऑफ OCA मिल जाएगा 12 प्लस 2x। देन थर्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल OAB, तो ट्रायंगल OAB में AB विल बी द बेस, दैट विल बी 8 प्लस एक्स मल्टीप्लाई विद एल्टीट्यूड जो कि 4 है इंटू 1/2। सॉल्व कीजिए, यू विल गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल्स टू 16 प्लस 2x। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द थ्री ट्रायंगल BOC, AOC एंड AOB, इन तीनों ट्रायंगल्स के एरियाज का सम विल गिव अस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें ऑलरेडी पता है कितना है, रूट 48 इंटू 14 प्लस एक्स, और इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया भी हमें मिल चुका है, तो सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमें क्या मिला, LHS में तो हमें जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मिला था वो डायरेक्टली रख दिया, RHS में अब हमें एडिशन करना पड़ेगा, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 56 प्लस 4x। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 14 प्लस एक्स। अब ये जो LHS है यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट है, और ये स्क्वायर रूट हमारे लिए बहुत यूज़फुल नहीं है, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो उसे रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो हम दोनों साइड्स में स्क्वायर करते हैं, तो LHS में से हमारा स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, और RHS में हमारे पास 4 स्क्वायर इंटू 14 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 इंटू 14 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम LHS और RHS को कंपेयर करें तो 14 प्लस एक्स और 14 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक पावर RHS में से कैंसिल हो जाएगी। सेकेंडली 16 और 48, तो 16 थ्री ज़ा 48, तो हमें यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा, 3x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स। अब लाइक टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, x को हमें LHS में लाना पड़ेगा, x RHS में प्लस में है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू 14, दैट इज 2x इक्वल टू 14। हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो x विल बी इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 7। हमें फाइनल आंसर में क्या निकालना था, AB और AC की लेंथ, x की लेंथ नहीं निकालनी थी, तो इसलिए अब हम AB की लेंथ निकालेंगे, विच इज x प्लस 8, दैट विल बी इक्वल टू 15, एंड AC विल बी 6 प्लस एक्स, दैट विल बी 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द
सर्कल। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो उसकी अपोजिट साइड्स जो एंगल बनाएंगी सेंटर पे वो सप्लीमेंट्री होंगे। अपोजिट साइड्स कैसे एंगल बनाएंगे सेंटर पे? जैसे मान लीजिए ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कल का सेंटर हम मान लेते हैं ओ है, ठीक है। उसकी जो चारों साइड्स हैं ए बी बी सी सी डी डी ए सर्कल को पी क्यू आर एंड एस पॉइंट्स पे टच करती हैं, ठीक है। तो दो अपोजिट साइड्स ले लेते हैं ए बी और सी डी। ए बी से जो एंगल सेंटर पे बना वो एंगल हो गया ए ओ बी, और डी सी से जो एंगल सेंटर पे बना उसका नाम है डी ओ सी। तो इन दोनों एंगल्स का सम हमें 180 करना है। या फिर दूसरी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ले लेते हैं ए डी और बी सी। तो ए डी और बी सी से सेंटर पे कौन से एंगल बन रहे हैं? ए ओ डी एंड बी ओ सी। उन दोनों को सप्लीमेंट्री कर दो, किसी भी एक पेयर को आप सप्लीमेंट्री कर दो। सिमिलरली हम सेकेंड पेयर को सप्लीमेंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टाइसेस को सेंटर के साथ ज्वाइन कर देते हैं। हम क्या करते हैं, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी इनको ज्वाइन कर देते हैं, और नॉर्मल्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कितने एंगल्स हो गए? हमारे पास टोटल सेंटर पे 8 एंगल्स बन गए। सबसे पहले हम एंगल पी ओ क्यू के बारे में बात करते हैं। एंगल पी ओ क्यू जो है वो ओ बी के कारण दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। ओ बी क्या है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट इन द एक्सटीरियर। तो वो क्या करेगा, दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा, रेडियाई के बीच के एंगल और टेंजेंट के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो रेडियाई के बीच का एंगल कौन सा हुआ? एंगल पी ओ क्यू। तो उसको वो बाइसेक्ट करेगा ओ बी, तो इसलिए हमें क्या मिल जाएगा, एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री, ठीक है। जिस तरह से एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री मिला, उसी तरह से एंगल फोर इक्वल टू एंगल फाइव मिल जाएगा, फिर एंगल सिक्स इक्वल टू एंगल सेवन मिल जाएगा, एंगल एट इक्वल टू एंगल वन मिल जाएगा। इस तरह से हमें फोर पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स मिल जाएंगे, ठीक है। जब हमने पॉइंट इन द एक्सटीरियर को सेंटर से ज्वाइन किया तो हमने थ्योरम 10.2 के रिजल्ट को यूज़ किया, जो हमें बताता है कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट इन द एक्सटीरियर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड एंगल बिटवीन द रेडियाई। वहाँ से हमें चार रिजल्ट्स मिले, एंगल वन एंगल एट इक्वल मिल गए, एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री मिल गया, एंगल फोर एंड एंगल फाइव इक्वल मिल गए, एंड लास्ट में एंगल सिक्स इक्वल टू एंगल सेवन मिल गया। अब अगर हम ये जो एट एंगल्स अराउंड द सेंटर बने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इन सबका सम कर दें तो हमें कितना मिलना चाहिए आंसर? ये सारे एंगल्स कहाँ बन रहे हैं? एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं, तो ये कैसे होंगे? 360 सम देंगे, है ना। तो यहाँ से फिर हम ग्रुपिंग करते हैं। हमको क्या पता है, एंगल वन और एंगल एट इक्वल हैं तो उनको एक ब्रैकेट में रख दिया, एंगल टू एंगल थ्री इक्वल हैं उनको एक ब्रैकेट में रख दिया, एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल फाइव है तो उनको एक ब्रैकेट में रख देते हैं, और एंगल सिक्स इक्वल टू एंगल सेवन है उनको एक ब्रैकेट में रख देते हैं। तो एंगल वन इक्वल टू एंगल एट है तो एंगल वन प्लस एंगल एट कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ एंगल वन। इन द सेम वे एंगल टू प्लस एंगल थ्री ट्वाइस ऑफ एंगल टू, ट्वाइस ऑफ एंगल फाइव, ट्वाइस ऑफ एंगल सिक्स इक्वल टू 360। अब इस पूरी इक्वेशन में से हमें टू कॉमन मिल जाएगा फ्रॉम LHS, सब में टू आ रहा है ना आगे, तो सब में से टू हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल टू 180। अब देखते हैं ये एंगल वन प्लस एंगल टू कितना होता है। एंगल वन प्लस एंगल टू एंगल ए ओ बी, और एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल सबटेंडेड बाय अपोजिट साइड्स हो गए ना, ए बी और सी डी से बन रहे हैं ये। इन द सेम वे बी ओ सी और डी ओ ए को भी हम प्रूव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज 10.2 के 13 क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। See you in the next video. Till then, keep learning, keep revising, and keep practicing.